दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो क्यूखेल जब एक्सपायर हो जाता है उसे जो कि आप कैसे कंटिन्यू रिन्यूअल कर सकते हैं। तो इसके लिए दो प्रोसेस है। पहला, क्योंकि आपका जो क्यूखेल ऑलरेडी है उसी को जो कि आप वहां पे ऑनलाइन जा करके जो कि आपको रिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आपका जब क्यूखेल जब एक्सपायर हो जाता है तो आपको कोई भी लोकल शॉप पे जा करके वहाँ से जो कि 1 ईयर का आता है 3 ईयर का आता है। इसके अलावा आपको 1 यूजर लेना है कि 2 यूजर, यानी कितना पीसी में आपको इस्तेमाल करना है वो अपने अकॉर्डिंग है जो कि आपको ले आना है शॉप से। उसमें एक प्रोडक्ट की होता है, बस वही है जो कि आपको डालना होता है। तो उसके लिए जो कि हम लोग अपने पीसी में करने वाले हैं। मेरे पास तो ऐसे 5-6 सिस्टम है, मगर 3 यूजर में जो कि ज़्यादातर जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। तो पिछला बार जो कि हम 5 यूजर यूज कर रहे थे, मगर इस बार जो कि हम 3 यूजर ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो हम आपको कर करके दिखाते हैं। अगर आप रिन्यू कर रहे हैं उस टाइम पर किसी भी टाइप का एरर आ रहा है उसका भी सोल्यूशन है जो कि इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक छोटा सा वीडियो होने वाला इसी टाइप का जो कि रिन्यू करने के लिए आपको 100-200 रुपया जो कि कोई लोकल मार्केट में भी आपको ले लेगा, है ना। तो वो चीज़ आप अपने से कर सकते हैं, आपको नॉलेज भी हो जाएगा और आप अपना काम भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद क्यूगेल का जो एप्लीकेशन है ना इसे जो कि आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। या आपको यहाँ पर ये साइड में जो टाइम बार है ना यहाँ पर से भी आप क्लिक कर करके आ सकते हैं। रिन्यू नाउ इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना और यहाँ पे जो कि देख सकते हैं आपका सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि ये दे दिया है। अगर आप इसे डायरेक्ट यहीं से ऑनलाइन अगर आप ग्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो कि अपडेट कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो कि हम ऑफलाइन जो कि अपना सारा क्यूखेल का जो कि सेटअप लिया है। यहाँ पे जो कि रिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद आई हैव ए रिन्यूअल इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कि आपका जो प्रोडक्ट की है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गाइस ये जो कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है ये, तो ये है जो कि नहीं ले रहा, इसके लिए जो कि हमें इसे अनइंस्टॉल कर करके फिर से जो कि इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ से जो कि कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, इसे जो कि अनइंस्टॉल कर लेते हैं और रीस्टार्ट नाउ कर लेते हैं। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर फिर से जो कि एप्लीकेशन को जो कि हम रन कर लिए हैं, देख सकते हैं अभी रजिस्टर का डायरेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। हमें ध्यान नहीं था, हम इससे पहले जो कि हम क्या किए थे, क्यूखेल का एक एप्लीकेशन आता है इसे जो कि आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आपको गूगल क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मेरे पास जो कि 3 PC है वो PC में जो कि हम आगे चल करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको 2 ऑप्शन देगा, एक है जो कि रजिस्टर नाउ और एक है जो कि रजिस्टर लेटर। तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपका जो प्रोडक्ट की है वो प्रोडक्ट की है जो कि आपको यहाँ पे ले आना और सिंपल हम लोग को नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करेंगे जैसे ही ये कुछ इस टाइप का मैसेज दे देगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल ओके कर लेना है। और यहाँ पर जो कि आपका जो प्रोडक्ट की है ना कहीं कुछ गड़बड़ है वो एक बार चेक कर लेना और नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर जो है ना आप अपना कंपनी का नाम डालना है, तो पर्सनल यूज है या प्रोफेशनल वो अपने अकॉर्डिंग है को चेक कर लेना। ऊपर में जो कि अपना फर्म का नाम डाल देते हैं, इसके बाद यहाँ पर जो कि पर्सनल यूज ही रहने देते हैं, ठीक है। डीलर कोड में कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसे वही IGT छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो कि ऊपर में जो कि अपना फर्म का नाम डाल दें, इसके बाद आपको email ID डालना है, उसके बाद कन्फर्म email ID डालना है। ये सब बायोडाटा आपको अपने अकॉर्डिंग है जो कि फिल कर लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है, अपना CT वगैरह डाल करके सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। ओके, सिंपल नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। सिंपल आपको नेक्स्ट करना है, थोड़ा सा वेट करना होगा और ये जो कि यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यानी कि ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे जो कि देख सकते हैं 31 मई 2025 तक है जो कि ये लाइसेंस वैलिड हो गया है, ठीक है। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। गाइस मेरे पास जो कि 3 यूजर है, तीनों यूजर है जो कि एक यूजर तो हो गया, अब 2 यूजर और है, 2 मेरा सर्वर का, वो भी है जो कि हम आपको कर करके दिखाते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये ग्रीन हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो कि सिस्टम इज सिक्योर, पहले नहीं आ रहा था, है ना। सबसे पहले जो कि PC टर्नल है इसे जो कि ऑन कर लेंगे, ऑन कर करके इसे जो कि आपको एक बार चला लेना। तो गाइस ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग है जो कि थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर से जो कि आपको यहाँ पे आ जाना, ऊपर में जो कि देख सकते हैं गाइस लाइसेंस 365 डे है ऊपर में जो कि शो कर रहा है। इसे अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं या इसे जो कि यहाँ से कॉपी कर करके आपको एक नोटपैड बना करके रख लेना कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, आप कभी भी PC को फॉर्मेट करें, जो आप दुकान से जो क्यूखेल का जो लाइसेंस लाए वो अगर भुला भी जाएगा तो ये काम दे देगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब इसी तरीका से जो कि मेरा और 2 सिस्टम है उसे जो कि यहीं पे जो कि हम अपना रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू है जो कि यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, देख रहे हैं। इसी तरीका से मेरे पास 2 सिस्टम है, लगातार दोनों सिस्टम को जो कि एक ही बार कर लेते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन ला करके पहले पेश करते हैं,
पेस्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो कि मेरे पास डाउनलोड में भी रखा हुआ है, देख सकते हैं इस टाइप का रहता है। ठीक है, सिंपल आपको इस पे डबल क्लिक करेगा तो ये जो कि रन हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक है जो कि ये सिस्टम के अकॉर्डिंग है जो कि ये डाउनलोड ले लेगा अपने आप एक एप्लीकेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पे आ जाएगा, टर्म एंड कंडीशन नेक्स्ट करना, फिर से नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे और ये यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा वेट करेगा। और यहाँ पे रजिस्टर नाउ इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो कि देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो जो मेरा प्रोडक्ट की है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर ऊपर में जो कि फार्म का नाम डालेंगे और यहाँ पे जो कि डीलर नेम में कुछ नहीं डालना है, ये सब है जो कि अपना अकॉर्डिंग है जो कि सब आपको फिल कर लेना, जैसे हम आपको बताएं अपना सिटी वगैरह ये सब डाल करके, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद सेम प्रोसेस, तीन यूजर है जो कि हम क्यूकेएल का लाए हैं, तीनों यूजर है जो कि अपना अलग अलग पीसी में जो कि हम डाल लेंगे और सेम चीज करना है, जो आपका लाइसेंस जो होता है 360 डे का वो जो कि इसी तरीके से एक नोटपैड बना करके आपको रख लेना अलग अलग सिस्टम में। ठीक है, ये मेरा थर्ड सिस्टम है, इसे भी जो कि यहाँ पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट की डालेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल करके फिनिश कर देंगे। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसका जो कि सिस्टम इज सिक्योर लिखेगा, ठीक है, इसी से जो कि आपको पता चल जाएगा कि आपका एंटीवायरस जो कि एक्टिवेट हो चुका है। ओके, इसके अलावा अगर आपका पीसी काफ़ी टाइम से अगर आपका एंटीवायरस से एक्सपायर है और आप बार बार जो कि अलग अलग तरह के जो कि पेन ड्राइव यूज करते हैं, फुल पीसी को जो कि स्कैन कर ले, इससे जो कि आपका पीसी सिक्योर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप इस मेथड का इंप्लीमेंट कर करके आप अपना खुद का भी पीसी में जो कि इस तरह से ही है जो कि आप क्यूकेएल को जो कि रिन्यू कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि ये जो चैनल है ना आपको इन्फॉर्मेशन ही देता है, किसी भी टाइप का जो कि इन्फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और अपने भाई को सपोर्ट करें।